हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स। जितने भी हमारे लास्ट ईयर के बैच के जो स्टूडेंट हैं 12th के, आप सभी लोगों तक न्यूज़ ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी कि CBSE हैज़ टेकन द डिसीजन कि आपके जो रिमेनिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, रिमेनिंग एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे। तो रिमेनिंग एग्ज़ाम नहीं होंगे तो CBSE ने उसके लिए कुछ असेसमेंट स्कीम निकाली है कि किस तरीके से उन सब्जेक्ट के वो मार्क्स अवॉर्ड करने वाली है स्टूडेंट्स को। तो सभी ने वो सर्कुलर CBSE का पढ़ लिया होगा। उसके बाद भी कई सारे कन्फ्यूजन आपके होंगे कि क्या रहने वाला है, किस तरीके से CBSE रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, किस तरीके से मार्क्स अवॉर्ड करने वाली है। तो जो CBSE का सर्कुलर आया है, उस CBSE के सर्कुलर के बेसिस पे जो पॉइंट्स CBSE ने डिस्कस किए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन हैं वो कन्फ्यूजन आपके दूर हो सकें। तो जैसे कि आपको पता है, जो 1st to 15 July तक जो CBSE ने शेड्यूल किया था एग्ज़ाम्स आपके, वो सारे एग्ज़ाम CBSE ने कैंसिल कर दिए हैं, या आप कह सकते हैं पोस्टपोन भी कर दिए हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो कई सारे पैरा जो सर्कुलर में हैं, पैरा 1 और 2 आपको बता रहा है कि CBSE ने वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, और आपका जो पैरा 3 है, पैरा 3 ये बता रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा कब, 15th of July को। उसके बाद हम आते हैं पैरा 4 पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरा है आपके लिए। वो पैरा कह रहा है कि जब जिन भी सब्जेक्ट में आप अपियर नहीं हुए हैं, उसमें एक असेसमेंट स्कीम फॉलो की जाएगी, और वो असेसमेंट स्कीम पैरा 7 में दी हुई है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो है क्या इस पैरा में, ये पैरा कह रहा है कि जिन भी सब्जेक्ट में आप अपियर नहीं हुए हैं, तो उन सब्जेक्ट में क्या होगा, वो असेसमेंट स्कीम के थ्रू आपको मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही आपको एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि अगर आप चाहें, कोई स्टूडेंट अगर ऑप्ट करना चाहता है, अगर वो पिछले जो मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जा रहे हैं ड्यू टू द न्यू असेसमेंट स्कीम, अगर आप उसे सेटिस्फाई आप नहीं लग रहे हैं, आपको लगता है कि आपके ज़्यादा आ सकते हैं आप एग्जाम में अपियर होके, तो आपको CBSE एक ऑप्शन भी देगा एग्जामिनेशन में अपियर होने की, एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। लेकिन उस ऑप्शन के साथ क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में अपियर होंगे, जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी, जब भी CBSE एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, तो उसमें क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम में अपियर होंगे, उसके जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपके फाइनल माने जाएंगे। आ रहा होगा समझ में आपको। इट मीन्स 12th क्लास वालों के लिए CBSE ने दो स्कीम आपको, दो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, जो आपका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 आपका ये कह रहा है कि जो भी असेसमेंट स्कीम जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पैरा 7 में CBSE के सर्कुलर में है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे एज पर न्यू असेसमेंट स्कीम, ठीक है, एज पर न्यू असेसमेंट स्कीम जो भी मार्क्स आएंगे आपके, वो मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल मार्क्स। मींस इसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी इन मार्क्स को अल्टर करने की, इन मार्क्स को चेंज करने की, ठीक है। आ रहा है समझ में। ऑप्शन 1 आपने क्या किया, कुछ भी ऑप्ट नहीं किया है, सिंपली CBSE आपके रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगी जो भी न्यू उसकी न्यू असेसमेंट स्कीम है उसके बेसिस पे। ऑप्शन 2 क्या दे रहा है CBSE आपको, ऑप्शन 2 ये तो आपके पास अवेलेबल है ही है। मींस 15th of July को सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो ऑप्ट करेंगे न्यू ये ऑप्शन 2 को, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, रिजल्ट सारे बच्चों का डिक्लेयर होगा जिन्होंने एक एग्ज़ाम दिया है। जैसे ईस्टर्न दिल्ली में उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो वहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उन बच्चों का भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा जो भी न्यू असेसमेंट स्कीम है उसके बेसिस पर।
ठीक है, तो रिजल्ट ये मान के चलिए 15 जुलाई को क्लास 12th के सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन वन क्लियर हो गया, जो न्यू असेसमेंट स्कीम है मार्क्स अवार्ड करने की, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे सारे बच्चों को। उसके साथ CBSE आपको ऑप्शन टू भी दे रहा है कि आप चाहें तो आप अपियर हो सकते हैं एग्जाम में, यू कैन अपियर इन एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड लेटर बाय द CBSE। जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो CBSE सिचुएशन नॉर्मल होने से CBSE जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, आप उसके लिए ऑप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन के बाद क्या होगा, जो मार्क्स आप ऑप्टेन करोगे, मार्क्स आप जो ऑप्टेन मार्क्स होंगे, ऑप्टेन मार्क्स विल बी योर फाइनल मार्क्स। ठीक है, फिर आपके ये मार्क्स नहीं रहेंगे, जो मार्क्स CBSE स्कीम, CBSE की जो न्यू असेसमेंट स्कीम है इस साल के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स मिले हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। तो आपके कौन से मार्क्स होंगे फाइनल, जो आप एग्जाम में ऑप्टेन करोगे, कब, जब आप एग्जाम में अपियर होगे, तो CBSE आपको ये ऑप्शन देगा कि आप चाहें तो इसमें अपियर हो सकते हैं, और आप ना चाहें तो अपियर ना हो, जो असेसमेंट स्कीम के थ्रू मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्शन वन क्या है और ऑप्शन टू क्या है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुने। ऑप्शन वन के अकॉर्डिंग न्यू असेसमेंट स्कीम, जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल मार्क्स हो जाएंगे, आपको कोई ऑल्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप ये ऑप्ट कर सकते हैं कि बाद में आप उस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। ठीक है, उस एग्जाम में अपियर होंगे, तो एग्जाम में अपियर होने के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल मार्क्स। फिर ये मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स नहीं होंगे अगर आप ऑप्शन टू के लिए ऑप्ट करते हैं। सारे बच्चे स्कूल आपसे ये पूछेंगे कि आप अपियर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम पे स्कूल को अपने इन्फॉर्म करना होगा कि आप ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में आपके कौन से मार्क्स फाइनल होंगे, जब आप एग्जाम में अपियर होंगे जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स हो जाएंगे। तो ये दोनों स्कीम्स क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट स्कीम रहने वाली क्या है। सभी लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हमें मार्क्स दिए जाने वाले हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो मार्क्स CBSE आप लोगों को कैसे अवार्ड करेगी। तो देखते हैं जो न्यू असेसमेंट स्कीम है CBSE की, उसमें क्या दिया गया है, किस तरीके से जिन सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए हैं मार्क्स कैसे अवार्ड किए जाएंगे वो हम देखते हैं। तो आप पैरा 7 देखेंगे तो पैरा 7 में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे, मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ठीक, तो पैरा ए क्या कहता है, जिन सब्जेक्ट्स के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं तो उसमें कौन से मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स आएंगे आपके जो ऑप्टेंड मार्क्स हैं, ऑप्टेंड मार्क्स। ठीक है, कौन से मार्क्स आने वाले हैं, जो भी आपने ऑप्टेन किए होंगे, जो भी आप जिस तरीके से भी आपने एग्जाम में परफॉर्म किया होगा, जो मार्क्स आएंगे वही मार्क्स इनमें अवॉर्ड किए जाएंगे, कौन से, जिनमें आपके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन बी क्या कहता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका कहता है कि जिनके, जिन बच्चों के, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो कुछ बच्चों के ज़्यादा एग्जाम हो गए होंगे, कुछ बच्चों के कम एग्जाम होंगे, तो पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि जिनमें सबके एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं वो आपको मार्क्स इसी तरीके से ऑप्टेन किए जाए, आपको अवॉर्ड किए जाएंगे जो आपके एक्चुअल में हैं। अब क्या है, जिन सब्जेक्ट्स में आपके एग्जाम नहीं हुए हैं लेकिन उन बच्चों के कितने मार्क्स हो गए हैं, मोर देन
3, ये आप देख सकते हैं कितने एग्जाम्स, मोर देन 3। तो जिन भी स्टूडेंट के 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम कम्प्लीट, 3 नहीं, मोर देन 3 की बात कर रहा हूँ मैं, मोर देन 3 आपके कम्प्लीट हो गए हैं, मीन 4 हो गए हैं, तो आपको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे? आपको दिए जाएंगे, एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज फाइंड किया जाएगा। एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे किस बेसिस पे? एवरेज ऑफ बेस्ट 3। बेस्ट 3 का मतलब है कि आपके जिन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, उनमें से 3 लिए जाएंगे। अगर आप 4 में अपीयर हुए हैं तो आपका क्या होगा, उन 4 में से 3 जो बेस्ट हैं आपके, वो 3 बेस्ट लिए जाएंगे और उनका एवरेज निकाला जाएगा। बेस्ट 1 प्लस बेस्ट 2 प्लस बेस्ट 3, और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे किस में, जिन मार्क, जिन सब्जेक्ट में आप अपीयर नहीं हुए हैं। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, B1, B2, B3 अपॉन 3। B1 क्या है, बेस्ट, ठीक है, B यहाँ पे बेस्ट को डिनोट कर रहा है। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके कितने एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं, मोर देन 3, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर आपको, आप यहाँ पे देखिए, अगर आप A में भी नहीं है, आप B में भी नहीं है, तो आप यहाँ देखिए, अगर आपके क्या हो रखे हैं, ओनली 3 एग्जाम्स, ठीक है, अगर आप सिर्फ आपके मेन सब्जेक्ट के आपके 3 एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, तो इसमें किस तरीके से एवरेज फाइंड किया जाएगा। इसमें अगर आपके केवल 3 ही एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ पर 3 का एवरेज नहीं निकालेंगे, किसका एवरेज निकालेंगे, बेस्ट 1 प्लस बेस्ट 2 अपॉन 2, ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर आपके एग्जाम्पल के लिए आपके एक में 90 हैं और एक में आपके 80 हैं, तो कैसे आएगा आपका स्कोर, कैसे होगा, 90 प्लस 80 अपॉन 2, तो 170 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 85। किन सब्जेक्ट में 85 आएंगे, जिसमें आप अपीयर नहीं हुए, ठीक है। और ये B1 प्लस B2 अपॉन 2 वाला कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा जब आप 3 एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। फिर हम आते हैं ऐसे एग्जाम जिसमें लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब क्या होगा, या तो आप 1 में अपीयर हुए हैं या आप 2 में अपीयर हुए हैं, जैसे मैंने बताया था दिल्ली के कुछ स्कूलों में ऐसा केसेस भी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एवरेज वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होना है आपका इंटरनल। इंटरनल का मतलब है, देखो 12th में वैसे तो कोई इंटरनल दिए नहीं जाते हैं आपके, तो आपको क्या दिए जाते हैं, या तो आपके दिए जाते हैं प्रोजेक्ट के मार्क्स, जिन सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट है उनमें, या फिर इसकी जगह आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स, ठीक है, जिन सब्जेक्ट में आपका क्या है, प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस वाले हैं आपका, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें प्रैक्टिकल, तो उन वहाँ पे क्या होगा, इनके बेसिस पे। अब इसके लिए CBSE ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि इसको वो कैसे फॉर्मुलाइज करने वाली है, ऐसा सर्कुलर में कहीं नहीं दिया है कि इनको कैसे वो अप्लाई करेगी, कि इनको किस तरीके से मार्क्स में इनको यूज किया जाएगा, ऐसा सर्कुलर में नहीं है। हो सकता है जल्दी ही CBSE का कोई क्लैरिफिकेशन आए कि इन सब्जेक्ट में वो कैसे देने वाली है मार्क्स। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अब कि आपको मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। एग्जाम्स कंप्लीटेड ऑब्टेन मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई ये बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। फिर अगर आप अपीयर हुए हैं किस एग्जाम में, मोर देन 3 एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो आपका फॉर्मूला लगने वाला है बेस्ट 3 का एवरेज, क्लियर। आप अगर केवल 3 एग्जाम आपने दिए हैं, मेन सब्जेक्ट आपके 3 ही दे पाए हैं आप अभी तक, तो आपका 3 बेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, बेस्ट 2 का। दो सब्जेक्ट जो आपके बेस्ट होंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझे, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, जिन बच्चों के पास है कौन सा, वो अपीयर हुए इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में, तो इन तीनों में से क्या लगेगा, जो दो बेस्ट हैं,
ठीक है, वो इंग्लिश इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी हो सकते हैं, या वो इंग्लिश और अकाउंटेंसी हो सकते हैं। तो उनमें से तीनों में से जो दो बेस्ट होगा उन दो का एवरेज लिया जाएगा, और बाकी के जो रिमेनिंग एग्जाम हैं जैसे बिजनेस स्टडीज़ है या हिंदी है, अगर आपने उन सब्जेक्ट में, तो आपको इसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे बेस्ट टू का एवरेज निकाल के। और ये उन स्कूलों के लिए खासकर जो कुछ ही स्कूल हैं, ज़्यादा नहीं, जो दिल्ली के स्कूल हैं वहाँ पर अप्लाई होने वाला है, कि जो इंटरनल के मार्क्स के बेसिस पर उनको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। तो आई थिंक आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाने वाले हैं। तो आई होप आपको न्यू असेसमेंट स्कीम समझ में आ गई होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए, आप अच्छा अच्छा स्कोर करें, अच्छे मार्क्स आएँ, 90+ आपके मार्क्स आएँ, चाहे वो ऑप्टेंट मार्क्स हों या फिर आपको न्यू असेसमेंट स्कीम के थ्रू जो मार्क्स मिल रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, और अपने डाउट्स को, आपके जो कन्फ्यूजन हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स और जो भी आपके डाउट्स हैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।